नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल ज्वार झारखंडी पे। आज हम बनाने जा रहे हैं बीटरूट जैम। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बीटरूट आपको पता ही होगा हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जैम बनाने के लिए हम दो बीटरूट ले लेंगे। इसको छील के अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इस तरह से आपको काट लेना है बीटरूट को। कढ़ाई में दो कटोरी पानी डालेंगे और बीटरूट डाल देंगे जो हमने काट के रखा था। इसको चला लेंगे। अब इसको ढक के मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकाएंगे। देख सकते हैं बीटरूट हमारा अच्छे से पक चुका है। इसको चला लेंगे। बीटरूट को छान के निकाल लेंगे ग्राइंडर में। बीटरूट डाल देंगे और इसको ढक के इसका पेस्ट बना लेंगे ग्राइंड करके। देख सकते हैं इसका पेस्ट रेडी हो चुका है अच्छे से। उसको निकाल के हम ठंडा कर लेंगे। कढ़ाई में हम इसका पेस्ट डाल देंगे बीटरूट। इसको आपको चला चला के पकाना है मीडियम फ्लेम पे। अब एक कटोरी चीनी डालेंगे। इसको चला के पकाना है इसका, जब तक पानी नहीं सूख जाए और ये थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाए तब तक इसको चला चला के पकाना है। देख सकते हैं गाढ़ा हो चुका है और ये हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है और ये हमारा जैम बन के बिल्कुल ही रेडी है। देख सकते हैं जैम को चेक करने के लिए कि अच्छे से बना है कि नहीं। इसको प्लेट में हम डालेंगे। देख सकते हैं ये फैल नहीं रहा है, मतलब ये अच्छे से पक चुका है और बन चुका है। आइए अब इसको हम सर्व करते हैं। इसको आप रोटी या फिर ब्रेड के साथ खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है।